नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया। सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में किया पार्टी का झंडारोहण। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री और कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने सीएम का जताया आभार। धामी बोले, राज्य आंदोलनकारियों के संकल्प और सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य। आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह, छात्र छात्राओं को दी नई डिग्रियां। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के वीसी के जरिए किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अठावले का लक्सर दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यक्रम में जनसभा को किया संबोधित। और हरिद्वार में मानसखंड झांकी को घुमाया जा रहा। उत्तराखंड में झांकी को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिखाई हरी झंडी। गणतंत्र दिवस पर प्राप्त किया पहला स्थान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1980 में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उस वक्त पार्टी के 2 सांसद थे। आज कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी सरकार विकास को अंतिम छोर तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं के दम पर 2024 में एक बार फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। तैतालीसवां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 सांसद थे, 2 सांसद थे और कार्यकर्ताओं के दम पर यह भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर एक पार्टी बन गई है। आज 303 सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिस प्रकार से जिस चिंतन को लेकर हम काम करते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति पर विकास की लहर पहुंचनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। गुरुवार को भाजपा नगर मंडल कार्यकारिणी ने नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी के नेतृत्व में भाजपा के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस पर मंडल कार्यकारिणी के द्वारा बुजुर्ग जनसंघ भाजपा कार्यकर्ताओं का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। वहीं मुख्य वक्ता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हयात सिंह मेहरा ने युवा भाजपा कार्यकर्ताओं को जनसंघ से लेकर भाजपा के इतिहास के बारे में जानकारी दी। मेहरा ने कहा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के बलिदान और त्याग से आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। वहीं बुजुर्ग भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा युवा भाजपा कार्यकर्ताओं से अपने अनुभव साझा किए। आज लोहाघाट नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ भाजपा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा यह कार्यक्रम जो हमारे जनसंघ के समय से जुड़े हुए जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के लिए पहले से समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी की जड़ें सींच कर आज पार्टी को इस विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी है, इस तरह के कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर हमने नगर क्षेत्र के उनको आज यहाँ पर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, विकास पर योजनाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और आज प्रत्येक कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष अपने अपने घरों में, अपने एक दूसरे के घरों में जाकर, बूथ अध्यक्ष एक दूसरे के घरों में जाकर और कार्यकर्ता एक दूसरे के घरों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाएंगे। रुड़की के एक होटल में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलपति कुलदीप कुमार ने भाजपा के स्थापना दिवस पर पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा उत्तराखंड के 11,667 बूथों को स्थापना दिवस मना रही है और इसका उद्देश्य यह है कि जो पार्टी में नए सदस्य जुड़े हैं उन लोगों को पार्टी के विकास और इतिहास की ठीक प्रकार से जानकारी हो सके।
और उन्होंने सम्मानित करने के कार्यक्रम की भी रखी है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा तैयार रहती है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं और पार्टी स्थापना दिवस को हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के 11,667 बूथों पर आज पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है और इसका उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के साथ जो नए लोग जुड़े हैं, अन्य दलों से कुछ लोग हमारी पार्टी में आए हैं और कुछ युवा जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी की है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास की ठीक से जानकारी उनको हो सके, इस उद्देश्य को लेकर के हमने कार्यक्रम किया है। उसके साथ साथ जनसंघ के समय से और भारतीय जनता पार्टी मैं जो पुराने समय से काम करते लोग आ रहे हैं, जो हमारे नींव के पत्थर हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम भी आज हमने किया है। देखिए, पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए हर्षोल्लास का विषय है क्योंकि आज पार्टी का एक तरीके से जिसे बर्थडे कहते हैं वो बर्थडे है और 1980 में पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी। जनसंघ और जनता पार्टी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी बनी थी और कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साह है आज के दिन, क्योंकि पार्टी का भी जो स्लोगन है कि अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति तक पार्टी को पहुंचना है, कार्यकर्ताओं को पहुंचना है और उन्हें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचानी है। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले लक्सर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मौके पर उपस्थित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष अंबरशी गर्ग द्वारा उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारे मंत्रालय की जो योजना है लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा चल ही रहा है और जो काम बचा है वो बचा हुआ काम भी पूरा करने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। इस तरह मतलब गरीबों को न्याय देने की कोशिश हमारी सरकार की है और बहुत सारे दिनों से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा हमने किया था और मैंने अभी बताया कि 3.5 करोड़ लोगों को अभी तक हमने उसी तरह के मकान दे दिए है। बाकी जो भी योजनाएं है, जो योजनाएं पूरी करने की कोशिश हमारी है, हमारा जो बजट होता है बजट लोगों के लिए होता है। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आते रहे और इसीलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर ग्राम में आज हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी पुलिस फोर्स और तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर क्षेत्र के डाडा जलालपुर में पिछले वर्ष शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच में बड़ी हिंसा हुई थी, जिसके बाद कई दिनों तक प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और गाँव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर लोगों के द्वारा शोभा यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों के लोगों के साथ बैठकर रूट निर्धारित किया और शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। देखिए, अभी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा लगभग संपन्न होने और जो यहाँ प्रशासन और पुलिस के अधिकारी तैनात थे उन्होंने विधि व्यवस्था की कोई भी स्थिति उत्पन्न होने की सभी आशंकाओं को निवारित करते हुए सकुशल संपन्न कराने में अपना बेहतर योगदान दिया है। अन्य स्थानों पर भी जो शोभा यात्राएँ चल रही थी उनमें से कुछ संपन्न हो चुकी हैं सकुशल और कुछ अभी प्रचलित हैं, जिनको सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रशासन और पुलिस की टीमें प्रतिबद्ध हैं। कोटद्वार शहर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ ही भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिरों में पूजन दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ी। आज हनुमान जन्मोत्सव पर सिद्ध बलि मंदिर में दर्शन पूजन को लेकर भक्तों की भीड़ लगी रही। शहर के श्री सिद्ध बलि मंदिर श्रद्धालु उमड़े और इस दौरान सुंदरकांड के पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। आज पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
उसी क्रम में सिद्धबली मंदिर जो कि हनुमान जी का धाम है, इस मंदिर के लिए मैं दिलीप रावत जी एवं अध्यक्ष श्री डॉक्टर जे पी ध्यानी जी द्वारा निर्णय लिया गया कि इस वर्ष कोटद्वार सिद्धबली मंदिर में भी हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाए। उस निर्णय के चलते आज मंदिर में सुबह पिंडी महाभिषेक, पिंडी महाभिषेक के बाद हवन यज्ञ, हवन यज्ञ के बाद शहर में लगभग 3,500 भगवा हनुमान जी के झंडों से शहर को सजाया गया। उसके उपरांत मोटरसाइकिल साइकिल पर हनुमान जी के नारे, राम जी के नारे लगते हुए शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और हुजूम के साथ, कीर्तन मंडलियों के साथ यह हुजूम मंदिर पहुंचा। आईआईटी रुड़की में 22वां दीक्षांत समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान आईआईटी की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह सवेरे से ही आईआईटी के गेट पर दीक्षांत समारोह को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बिना अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी थी। इस दौरान 2022 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधि शामिल है। इस दौरान आईआईटी प्रबंधक द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। हालांकि दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पहुंचना था, लेकिन आवश्यक कार्य होने के चलते केंद्रीय मंत्री वर्चुअल माध्यम से छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। की का 22nd कॉन्वोकेशन खत्म कर दिया है। 2022 स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड, 379 with PhD degrees. Very, very delighted that so many people have done PhD from IIT Roorkee. Future looks very bright for all of them. तो technology इतना acceleration हो रहा है, उसके साथ तो इतना application हो रहा है, amplification चल रहा है, cost भी कम हो रहा है, तो democratization भी चल रहा है, तो future for all these people who have graduated is very bright. आपने बताया 2022 छात्रों को इस कन्वोकेशन में डिग्री दी गई, जिसमें 379 PhD स्टूडेंट थे, उसमें से 100 जो हैं छात्राएं थीं जिनको PhD की डिग्री दी गई। तो ये PhD जो है इस बार का हाईएस्ट नंबर है, और जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है वो भी पिछली बार 19% था जो डिग्री मिलने में, इस बार 26% हो गया। तो जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जो होता है, जो ओवरऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस पर दिया जाता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा, तो पहली बार ये गर्ल छात्रा जो है हमारी यहाँ पे, उनको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार बेहद ही संवेदनशील नजर आ रही है। इस दिशा में सरकार ने एक और पहल शुरू की है, जिसके तहत चारधाम यात्रा मार्ग पर हेल्थ ATM मशीन लगाया जा रहा है। धीरे धीरे हेल्थ ATM का विस्तार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय में हेल्थ ATM का शुभारंभ किया, जिसके जरिए महज 5 मिनट के भीतर आम आदमी को उससे संबंधित सभी जरूरी जांचें कराने के साथ ही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। हेल्थ ATM से करीब 70 से ज्यादा टेस्ट किए जा सकेंगे। इसके साथ ही 24 घंटे टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी दी जाएगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन मशीनों को चारधाम यात्रा मार्ग के साथ ही आदि कैलाश मार्ग पर स्थापित किया जाएगा। हमारे चारधाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने MOU कर लिया था और 15 और लग रहे हैं, साथ में 40 ट्रूनेट मशीनें लग रही हैं। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, यस बैंक है और हमारा जेके टायर, सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है।
निश्चित रूप से इन सबके बनने से जहाँ लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर के आसपास ही उनको ये सुविधा मिलेगी। चारधाम आने वाले और पूरे पर्यटक सीजन में आने वाले सभी देश भर के सैलानियों को इसकी सुविधा प्राप्त हो पाएगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाने वाली झांकी मानस खंड को पहला स्थान मिला था। वहीं अब मानस खंड झांकी को पूरे प्रदेश में घुमाया जा रहा है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की। मानस खंड झांकी को 3 दिनों तक हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में घुमाया जाएगा। इसके बाद झांकी दूसरे जिले के लिए रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि झांकी में उत्तराखंड प्रदेश की संस्कृति और विशेषताओं को दर्शाया गया है। राज्य की झांकी जो 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहाँ पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, खानपुर में, सब जगह की जनता इसका देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है क्योंकि इसके अंदर पूरी उत्तराखंड की झलकियाँ दिखाई गई हैं और उत्तराखंड का पूरा चित्रण किया गया है, हमारी संस्कृति को इसमें उजागर किया गया है। साल की पिछले 20 दिनों से भी अधिक समय से खराब पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन लोगों के विरोध और मीडिया में खबर आने के बाद अचानक से रातों रात ठीक होकर सही काम करने लग गई है। चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं और मरीजों के अल्ट्रासाउंड होने लग गए, जिसके कारण दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले गर्भवती महिलाओं और मरीजों को राहत मिलने लग गई है। चंपावत जिला चिकित्सालय से आए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट ने खराब बताई अल्ट्रासाउंड मशीन से अल्ट्रासाउंड किए गए। डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, मशीन से ज्यादा दिक्कत नहीं है और मशीन अल्ट्रासाउंड करने लायक है और सही डायग्नोस कर रही है। रोग में 2 सेक्टर्स के अंदर में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर सकती, काम वो कर सकती है, उसको थोड़ा बेटरमेंट की जरूरत है, जिसके लिए कि सीएमओ साहब ने नए प्रोब के लिए ऑर्डर कर दिया है। लेकिन इस पे जो है हम मरीज को कर सकते हैं, वही जो है अभी करीब 6, 7, 8 मरीज हम कर चुके हैं इस समय पे और आगे भी अभी हो पाएंगे। कुछ जिस किसी किसी चीज़ में अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट रहता है तो उसको हम फिर वेट करा सकते हैं या फिर दोबारा से आप देख सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से मरीज को इतना दूर चंपा हुआ तो भी गाड़ी में भर के लेके जाना, फिर उसके बाद में उसको लेके आना, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से वार्ता की थी कि लोहाघाट की जो अल्ट्रासाउंड मशीन है यह जनता की भावनाओं के अनुरूप सही की जाए, उसके लिए आज ही जो है जिला चिकित्सालय के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप बिष्ट यहाँ आए। उन्होंने अभी तक कम से कम 10 अल्ट्रासाउंड कर दिए हैं, मशीन सुचारू रूप से कार्य कर रही है। जैसा कि मैं कल भी अपने बातों में बता चुका हूँ कि यहाँ के CMS की जो है भूमिका बहुत संदिग्ध है। हमारी एक ही जो है मांग है कि CMS को हटाया जाए यहाँ से और यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था जनता की भावनाओं के अनुरूप सही करने का कार्य करें। यही कहना चाहता है, जब मशीन सही थी तो मरीज को परेशान नहीं करना था, उन्होंने कम से कम ये तो बता देना चाहिए कि यहाँ हो जाएंगे अल्ट्रासाउंड, यहाँ से मरीज को वहाँ भेजा, आज कैसे मशीन सही है और कैसे अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं। हम तो इस बात में खुशी है कि मतलब सभी की यहाँ अल्ट्रासाउंड सही हो और यहीं के मरीज यहीं रहे, कहीं बाहर धक्के न खाएं। रात भर तो हमने बैठ के रात काटी है, न हमको ओढ़ने के लिए मिल रहा है, न बिछाने के लिए मिल रहा है और न महिला को खाने के लिए मिल रहा है। बीते 3 वर्षों के दौरान कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण मचा संक्रमण और उससे होने वाली मौतों का हाहाकार अब जमीन पर फिर से पुनर्जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण से ग्रसित मृत्यु के 2 आंकड़े सामने आने के बाद प्रदेश और जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग और अपने पर्याप्त संसाधनों को जुटाने में अलर्ट लाइन पर आ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि धरातल पर कोविड जांच प्रक्रिया को भी पुनः लौट आई है। बताते चले कि लक्सर में मौसम की तब्दीली से खांसी, जुखाम, बुखार के लक्षणों में तेजी हुई है और इसके मद्देनजर अस्पताल और ब्लॉक लेवल पर कोविड की जांच पुनः शुरू कर दी गई है। इसके लक्सर में हम जब से गाइडलाइंस के लिए सीएम अथॉरिटी जी मैम के उसके अंतर्गत हमने जितने भी हमारे पेशेंट मरीज यहाँ पे OPD में दिखाने आ रहे हैं, हम 80% लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हमने पिछले 1 हफ्ते में 535 से ज़्यादा टेस्ट करे हैं, उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आया और लक्सर क्षेत्र में कह सकता हूँ कि अभी भी कोविड का भी प्रकोप नहीं आया है इस वर्ष।
सार्वजनिक स्थल में तो अभी तक हमने अपनी साइट नहीं लगा रखी है, बट हमने आशाओं के माध्यम से लोगों को बता रखा है कि लोगों को जागरूक करें, जिनको भी बुखार खांसी शरीर में दर्द हो रहा है, गले में दर्द है, तो अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर डोईवाला के भानियावाला प्राचीन शिव मंदिर में शुरू हुई हनुमान जी की शोभा यात्रा जॉली ग्रांट होते हुए अठूरवाला विस्थापित क्षेत्र में गणपति गार्डन में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान राम सीता लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी, तो वहीं नासिक का बैंड इस शोभा यात्रा को और अधिक भव्य बनाए हुए था। शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर रखा था। शोभा यात्रा का आयोजन हनुमान चालीसा संगठन के द्वारा किया गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी हनुमान चालीसा संगठन द्वारा हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हमने 5 रथ मंगाए हैं, जिसमें श्री गणेश भगवान जी की, श्री रामचंद्र जी का परिवार और हनुमान जी, बाली, सुग्रीव सबकी हमने यहाँ पे यात्रा निकाली है। की तरह ही हमारा दूसरा विशाल हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी संख्या में महिलाएं कलश लेकर चल रही है नंगे पांव। इसमें हमारे बहुत सुंदर सुंदर प्रभु की झांकियां हैं। बहुत अच्छी संख्या में हमारे साथ पुरुष और बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी क्षेत्रवासियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हनुमान चालीसा संगठन, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और सभी दलों ने, सभी हिंदुत्वों ने इसमें मिलजुल के बहुत हिस्सा लिया और बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, और हमें आज बहुत खुशी है। आज सभी जगह के लोगों से हमें पूरी वो थी कि हर जगह जगह से लोग आएंगे और वही हमारी उम्मीदें पूरी खरी उतरी है। शोभा यात्रा में हमारी हनुमान जी की जो है, श्री राम जी की है और लक्ष्मण जी की है, तमाम झांकियां हमारी इसमें हैं शोभा यात्रा में है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।